Hey guys, I'm Saurav, and in today's video, I'm drawing Attack Titan from Shinjiki no Kyojin anime series, but digitally. हाँ, सच्ची. लेकिन इसमें एक और कैच है. तो यार, जिन्होंने भी एनिमे देखा है, उन्हें पता ही होगा कि यार इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी जबरदस्त होती है. टिपिकल कार्टून से बहुत ऊपर एंड रियलिटी से थोड़ा नीचे. और प्रोस्पेक्टिव, व्यूइंग एंगल एंड म्यूजिक कॉम्पोजिशन की तो यार बातें छोड़ दो. क्या? वीडियो नहीं स्टार्ट करनी. सो गाइज, मैं आपको जिस कैच के बारे में बता रहा था वो ये है कि मैं इसे जितना हो सके रियलिस्टिक बनाने वाला हूँ अपने स्टाइल में, क्योंकि ना मुझे इसमें दिखाए गए टाइटन बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ओपी लगे. तो ना मैं सोच रहा था कि अगर ये टाइटन रियल में एग्जिस्ट करते तो कैसे लगते और इनकी पावर्स कैसी होती. फिर इसी चक्कर में मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा इनके बारे में, बट मुझे कुछ मिला नहीं. एंड अगर मिला भी तो स्टीम से या दूसरी चीज़ों से आर्टिस्ट ने इन्हें छुपाया हुआ था. क्लेवर मूव. इहे पोय. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही स्टाइल में एक रियल लाइफ टाइटन बना लूँ. एंड गाइज, मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना भूल गया, अभी दे देता हूँ. इस वीडियो में ना मैं किसी तरह के ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा भी सेकंड डिजिटल आर्ट है. इसके पहले मैंने एक ही आर्टवर्क डिजिटली बनाया था जो मेरा खुद का करेक्टर वोरस है. और अगर सच बोलूँ तो उसके फाइनल आउटकम को देख के ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे डिजिटल आर्ट की भी वीडियोज डालनी चाहिए चैनल पे. सो हियर इट इज. गाइज, वैसे तो सीरीज में इस टाइटन का कलर पेल है, लेकिन ना मेरी एक थ्योरी है. मुझे लगता है ये टाइटन ना हेल के डीमन्स हैं जिन्हें डेविल ने अर्थ पे स्पॉन किया है येमिर के रिक्वेस्ट पे. एंड आई थिंक डीमन ना रेड कलर के होते हैं क्योंकि वो हेल फायर में जलते रहते हैं. इसलिए मैंने भी इस टाइटन का कलर पूरा रेडिश सा रखा है. यह आई नो थोड़ा फनी साउंड कर रहा हूँ, पर चलता है यार. एंड इसीलिए मैंने हेलबॉय की फोटो एज अ कलर पैलेट रखी हुई है, क्योंकि यार वो भी रेड कलर का ही है. सो मैंने बेस लेयर बनाने के बाद इस पर लाइट एंड शेडोज डिफाइन कर दिए. अब इसके बाद ऑर्गन्स पे डिटेल ऐड कर रहा हूँ. गाइस, वैसे तो मेरे पास इस आर्टवर्क की कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, बट मैंने गूगल की काफ़ी हेल्प ली है इंस्पिरेशन, आइडिया एंड इमेजिनेशन के लिए. रियाई. सो या, यू कैन अज्यूम आई एम मेकिंग दिस विद माय इमेजिनेशन. एंड या, मैंने यहाँ पे हर चीज़ को डिफरेंट लेयर पे बनाने का ट्राई किया है. एज यू कैन सी, आउटलाइन की लेयर अलग थी, बेस लेयर भी अलग है, एंड बाकी चीज़ों की लेयर भी अलग ही होगी. इससे बाद में करेक्शन करना इजी होगा एंड इरेजर अवॉइड करने में भी हेल्प मिलेगी. ट्रस्ट मी गाइस, इरेजर ना फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ एक बार इरेज कर दी तो मे बी शायद आप उसे बाद में अंडू ना कर पाओ. गाइज, यहाँ पे ना आई से लेके नोज के बीच में बहुत स्पेस खाली है, जो अजीब लगती है बाद में. इसलिए मैंने यहाँ पे रिंकल्स बना दिए. गाइज, ये ना ह्यूमनॉइड क्रीचर है, लेकिन ह्यूमन नहीं है. इसलिए प्लीज कमेंट में मत बोलना सौरभ तूने उसके 32 से ज्यादा दांत बना दिए हैं ब्रो. गुस्सा नहीं, मुझे पता है यहाँ वीडियो का बहुत बड़ा पार्ट स्किप हो गया है. सॉरी यार, मैंने एक नंबर का बेवकूफ हूँ. मुझे पता नहीं किस चीज़ की चुल मची हुई थी कि मैं वीडियो सेव ही नहीं कर रहा था और बाद में लाइट चली गई, जिससे बनी बनाई वीडियो फाइल करप्ट हो गई. बट यार, अब चिंता मत करो, वैसे ही आपने कोई अभी बहुत बड़ी चीज़ मिस नहीं की है. यही सेम चीज़ ना मैं शोल्डर के इस साइड भी बनाने वाला हूँ. और रही बात इसके नेक के फायर ग्लो की, तो यार वो तो सिर्फ इसका बेस लेयर था, अभी बर्निंग इफेक्ट डालना इस पे बाकी है. गाइज, पता है मैं ना सोच रहा था कि यार इस टाइटन का साइज 15 मीटर है, जिस वजह से अगर इसकी स्किन नॉर्मल हुई जैसे हमारी होती है तो इसे ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल पाएगी. इसलिए ना मैंने इसके ऐसे स्किन बनाए हैं जिसको देख के सिम्बियोटिक से वाइब आएगी, जो इसे ड्यूरेबिलिटी भी देगी और ये देखने में भी बहुत कूल है. एंड गाइज, अभी मत बोलना कि मैंने ये वैनम से कॉपी किया है, क्योंकि मैंने नहीं किया. गाइज, अब बारी आती है इसके इनर फायर ब्रीदिंग इफेक्ट की. बहुत बड़ा नाम है. तो यार मैंने ना यहाँ पे ये अज्यूम किया है, जब भी ये टाइटन रेज में होता है या हील कर रहा होता है तो ना इसके दिल के बिल्कुल डेप्थ से समझ रहे हो ना बात की गहराई, तो ना इसके दिल के बिल्कुल डेप्थ से आग निकल रही होती है और बॉडी के हर पार्ट तक जाती है. इसे आप पानी के रिपल इफेक्ट को ध्यान में रख के इमेजिन कर सकते हो, जिस वजह से ना अंदर का बर्निंग ग्लो स्किन में से होते हुए बाहर आता है. लेकिन बीच बीच में वेन्स होती हैं जो ना थोड़ा ज्यादा डेंस होती हैं एंड लाइट को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ये थोड़ा डार्क दिखती हैं. गाइज, ये इफेक्ट तो इमेजिन करने में भी बहुत कूल लगता है,
तो सोचो यार ये रियल में कैसा दिखेगा। बस गाइज मैंने इसी फिनोमिनल इफेक्ट को ध्यान में रख के ये इनर बर्निंग इफेक्ट बनाया है। आई एम श्योर आपने कुछ ऐसा ही सिमिलर एडन फिस्ट के हाथों में भी देखा होगा, वहीं से मैंने एज अ गाइड ये बनाया है। वैसे मुझे इसकी इंस्पिरेशन ड्रैगन्स के कॉन्सेप्ट आर्ट देख के मिली थी। पहले ना मैं इसके बाल डार्क ग्रीन बनाने का सोच रहा था, बट करेक्टर को देखते हुए मुझे वो सही नहीं लगा, तो मैंने ह्यू सैचुरेशन की हेल्प से बालों का कलर चेंज करके डार्क पर्पल कर दिया, जो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थोड़े लहराते हुए बाल भी ऐड कर दिए। इतनी डिटेलिंग करने के बाद मेरे अंदर का पेशेंस खत्म हो चुका था और मेरे बस की नहीं रही बैकग्राउंड बनाना, वो भी मोशन ब्लर्ड। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया और ऐसा फॉरेस्ट व्यू ढूंढ के निकाला जो अटैक ऑन टाइटन के सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा मिलती थी। फिर क्या था, फोटोशॉप में इंपोर्ट करके ब्लर इफेक्ट डाल दिया, सिंपल। मजाक साइड में गाइज ये इतना भी सिंपल नहीं था, खासकर मेरे लिए जिसे अभी फोटोशॉप चलाना भी नहीं आता, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया एंड थोड़ा कलर करेक्शन करके बैकग्राउंड का एंड टाइटन का मूड एक जैसा कर दिया, आई मीन टेम्परेचर। एंड इसके बाद टीथ में थोड़े हाईलाइट एंड शेडोज ऐड कर दिए जहां लाइट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा था। बट गाइज अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो लाइटनिंग इफेक्ट एंड ग्लोइंग इफेक्ट। यार अब मैं क्या ही बोलूं, थंडर एंड लाइटनिंग मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपने हर आर्टवर्क में डाल दूं, तो मैं इसे इसमें कैसे मिस कर सकता था। हे बॉय, क्योंकि लाइटनिंग तो वैसे भी अटैक ऑन टाइटन सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये कमजोर से कमजोर करेक्टर को ओवर पावर बना देती है, तो सोचो अटैक टाइटन तो वैसे ही बहुत कूल है, ये इसके साथ क्या करेगी। सो गाइस लाइटनिंग के बाद मैंने बाल के शेडोज बना दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होने की वजह से वो एरिया बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सा लग रहा था। इसके अलावा मैंने उन हर जगह पे शेडोज ऐड कर दिए जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एंड आईज में भी ग्लो ऐड कर दिया, इसके अलावा बाकी दूसरे जगहों पे भी, प्लस बालों में उनके रिफ्लेक्शन। गाइस मुझे ना कमेंट में बताना मैंने जो इसके आई पे ग्रीन कलर का स्मोक बनाया है वो कैसा लग रहा है। मैंने ये टाइटन के कॉन्सेप्ट आर्ट में देखा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी बना दिया। इसके अलावा गाइज मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि मैंने इसके मुंह के अंदर ग्लो ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि गर्दन में तो है। तो यार देखो हीट ने नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, बट अभी रास्ते में ही है, मुंह तक पहुंची नहीं है। हाँ लेकिन मैंने स्मोक या फिर स्टीम जरूर ऐड किया है, क्योंकि हीट की वजह से ना अंदर का सलाइवा वेपराइज हो रहा है, तो उसका स्टीम कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगा ही। सो गाइज द आर्टवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ एंजॉय द रिवील। बूम। गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड हाँ मैंने ना इसके कुछ वर्जन और भी बनाए हैं, लेकिन उसमें स्पॉयलर है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि उसमें मैंने बेसिकली बनाया क्या है, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। बाय द वे गाइज इस चैनल पे ना ये मेरी फर्स्ट डिजिटल आर्ट वाली वीडियो थी, एंड मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोज देखना पसंद करोगे या नहीं। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शायद आपके फ्रेंड्स को भी पसंद ही आएंगी। एंड हाँ सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट सौरव टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस इन फ्यूचर, बट फॉर टिल देन लव यू गाइज बाय। शेन जी की नो क्यों जिन